सारी अयोध्या को सजाया गया, खूब दान दिया गया। और जानते हैं हमारे स्वामी जी के इष्ट भोले बाबा भी आए भगवान श्री राम के जन्म का दर्शन करने। कैसे आए? ज्योतिषी बन के। सबसे सरल रास्ता बन गया, ज्योतिषी बन जाओ। हर व्यापारी क्या सर्विस, क्या नेता, क्या सर्विसमैन, क्या बिजनेसमैन, सब पंडित जी कैसा है आगे। ज्योतिषी बन के आ गए क्योंकि हाथ देखने को मिलेगा लाला का। पहुंच गए, साथ में एक शिष्य भी लाए थे, डाक घोषणी जी को चेला बना के लाए। पहुंच गए अयोध्या में, अयोध्या में पहुंच गए मैया के पास। मैया तेरे लाला का हाथ देख लो, बता दू इसका भविष्य कैसा है। कौशल्या जी ने कहा ना बाबा, इतनी बड़ी अवस्था के बाद तो लाला हुआ, ये बाबा जी लोग पहले धमक पड़ते हैं, ये बाबा जी का कोई भरोसा मत करना, कहा धमक पड़े, नहीं दिखाऊंगी। अब भोले बाबा तो गए थे ज्योतिषी बनते, ठाकुर जी का हाथ मिलेगा, देखने को मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, दर्शन मिलेगा। थोड़ा निराश होकर लौटने लग गए, राम जी ने रोना शुरू कर दिया। राम जी के तो मित्र है ना भगवान शंकर, उनके मित्र को कोई लौटा दे उनको सहन का रोदन खाना, ऐसा रोए कि चुप ही ना हो, शांति ना हो। अब कौशल्या जी सारे उपाय कर लिए, शांति ना हो। एक सखी ने कहा मैया लगता है वो बाबा आया था ना ज्योतिषी बाबा, वो लगता है चमत्कारी, वो जब से गया तभी से लाला रो रहा है, वो कुछ जानता है उसी को लाना पड़ेगा, अरे तो जा जल्दी बुला के ला। वो सखी गई बाबा, चल मैया बुला रही। बोले बाबा समझ गए मैया कहां से बुला रही, लाली बुला रहा है, मेरा लाला है जो मेरे को कैसे छोड़ेगा। भगवान शंकर आए, मैया ने कहा रे बाबा जल्दी कर, ये लाला क्यों रो रहा है, इसको ठीक कर। और महाराज ठाकुर जी भी लीलाधारी, जैसे भोले बाबा आए जैसे वो आते हुए दिखाई दिए, रोना धीरे धीरे कम कर दिए, आते बंद कर दिए। अरे बाबा बड़ा चमत्कार, ये गए तो रोने लग गए, आ गए तो बंद हो गए। अब महाराज मैया ने हाथ दे दिया, विश्वास पड़ गया, बाबा बताओ मेरा लाला कैसा होगा। भगवान श्री राम का दर्शन, भगवान श्री राम का स्पर्श, भोले बाबा समाधिस्थ होने लग गए, समाधि लगने लगी। उनका हाथ जैसे हाथ में आया, भगवान श्री राम ने धीरे से धक्का दिया, समाधि मत लगाओ भेद खुल जाएगा, समाधि कैलाश में लगाना, या ज्योतिषी बने रहो वही अच्छा है। महाराज सब कुछ बताया, अरे मैया तेरा लाला साक्षात विष्णु भगवान जैसा है, ये नहीं बताया भगवान, विष्णु भगवान जैसा है, ध्यान रखना, साक्षात ऐश्वर्य सौंदर्य सब कुछ इससे मिलेगा, इसका ध्यान रखना। भोले बाबा खूब आनंद लिए, अयोध्या में खूब लुटाया गया, भोले बाबा खूब नाचे बधाई में, अयोध्या की बधाई में भोले बाबा नाचे। और इतना लुटाया गया हीरा मोती सोना चांदी, लेकिन एक अंतर था कृष्ण जन्मोत्सव में राम जन्मोत्सव में, और अंतर आज शाम को पता लगेगा क्या अंतर था। राम जन्मोत्सव में जिन जिन ने लूटा वो सब लुटा के गए, कोई लेके घर नहीं गया। तुलसीदास जी ने लिखा जिन पावा राखा नहीं काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। अरे सब लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, बोले जिन्होंने लूटा वो क्या किया, बोले वो भी नहीं रखे, वो भी लुटा के ही गए, लेके नहीं गए। और कृष्ण जन्मोत्सव में जिन्होंने पाया लूट के ले गए। आज शाम को गेट पर हम लोग दो चार लोग खड़ा करेंगे कि कौन लुटा के जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, उससे पता लगेगा कौन राम भक्त है और कौन कृष्ण भक्त है। जो कृष्ण भक्त होगा वो लेके जाएगा, जो राम भक्त होगा वो देके जाएगा। ये फर्क था। बोले बाबा लौट के आ गए कैलाश, पार्वती जी से बोले पार्वती जी बड़ा आनंद आया अयोध्या में, इतना उत्सव मनाया गया, आनंद हुआ। और मैं तो ज्योतिषी बन के गया था, किसी ने नहीं देखा, लाला का हाथ देखा, दर्शन किया, खूब आनंद हुआ। पार्वती जी हंसने लग गए, बोले क्यों हंस रही हो, बोले आपको जब लौटा दिया गया था तब तो एक आपको सखी बुलाने गई थी ना, हाँ आई तो थी, तभी मैं वापस गया था, बोले वो मैं ही थी वो तो मैं ही थी। अरे बोले तुम कहाँ से पहुंच गए, बोले आप कथा छोड़ के चले गए तो मैं अकेले क्या कर दिया, आप ज्योतिषी बन के गए, मैं सखी बन के महलों में चली गई, और मैं नहीं होती तो आपको दर्शन नहीं होता, मैंने कौशल्या जी से कहा था कि बाबा को बुलाओ, और मैं आपको बुलाने गई। ऐसे आनंद हुआ महाराज, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अब भगवान के जन्मोत्सव का संक्षेप में पूजन होगा और एक बधाई होगी ना, आपको जल्दी तो नहीं है ना, और टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, 12:10 ही हुआ ना, 10 मिनट का कार्यक्रम और है, और सायंकाल आप तैयारी के साथ आना 3:30 बजे से संक्षेप में राम कथा, कृष्ण कथा, फिर कृष्ण जन्मोत्सव,
धूमधाम के साथ से यहाँ मनाया जाएगा। तैयार होके माने सज धज के आना और थोड़ा केयरफुल होके आना, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म चोर का, इसमें चोर आते हैं। मैं विरोध की बात नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो भी ध्यान देंगे, शाम को चोर आएंगे, ये मैं कहता हूँ, ध्यान रखना। तो पुरुषों के रूप में भी आते हैं, महिलाओं के रूप में, माने महिलाएं भी होती हैं पुरुष। जस्टिस लाहौटी आरसी लाहौटी ने यहाँ कथा का आयोजन किया था, उनको मैंने बताया कि नंदोत्सव में ध्यान रखना, आएंगे जरूर। और उन्होंने सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लगा दिए, तीन महिलाएं पकड़ी गई चेन काटते हुए नंदोत्सव के बीच बधाई में, सब झूम जाते हैं। अब कौन गले में हाथ डाल रहा, कौन कहां डाल रहा, वो सोचता है बधाई कर रहा होगा, ये भी वो दूसरी बधाई कर देता था। तो तीन महिलाएं पकड़ी गई, सच घटना है, उनको पकड़ के रखा था। हम लोग जब कथा से वापस गए, मैं तो स्वामी मुक्तानंद जी भी थे, लाहौटी जी ने पूछा स्वामी जी क्या करें, उनको जेल भिजवा दें। लाहौटी जी का रिपोर्ट जिसकी कर दे उसकी तो बेल भी नहीं होगी, बोले जेल भिजवा दें। मैंने कहा दंड तो देना चाहिए, हर कथाओं में ये करती है, पकड़ी तो आज ही गई है। मुक्तानंद जी को दया आ गई, ये बोले आज भगवान कृष्ण जेल से मुक्त हुए तो इनको जेल क्यों भिजवाते हो। और डीजे ने छुड़वा दिया, वो ऐसी भागी, ऐसी भागी, आगरा की थी, वो यहाँ की थी भी नहीं, बोले आज के बाद हम कभी बंदाबंदी नहीं आएंगे। अब वो सही बोली गलत बोली वो जाने, इसलिए शाम को ठीक है तैयार होके आओ, ज्वेलरी पहन के भी आओ या ना आओ, लेकिन सावधान रहना। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है, पुलिस वाले भी है, फिर भी आप अपनी सेफ्टी रखना। अब ठाकुर जी के जन्म का पूजन होगा और एक बधाई होगी, आरती होगी भगवान श्री राम के अवतार की, उसके बाद कथा का विश्राम होगा। बोले कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की। ओम आपवित्रा पवित्रो वा श्रवावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुनरेकात्म सवाहयाभ्यंत्र शुचि पुष्पाणि गृहीत्वा रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेणा विहता निशाचर जमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तरय समर्पयामि सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुचियत अक्षन्न मे मदन्तः जव प्रिया अधोगत स्वभानवो विप्रानविष्ठया मते भिन्द्रते हरि ओम मा ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुप्पवतेः प्रसोवरेः अश्वा इव सविद्वरीर्भिरुदा पारविष्णवः माल्यां समर्पयामि नमस्करोमि रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय नमस्कार प्रार्थना समर्पयामि पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान की जय हो। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रनामे सहस्रपादाय शिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिबुधारणे नमः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि गंधद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां गरेषुणि मेश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यहोपहवे श्रियां माल्यां समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सद्गुरुदेवस्य भोजनां ॐ अजतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपुरो हरिः
अभाल लोचना शंभुर भगवान बादरायण व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कौशल्यानंदन भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, देव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। एक बधाई होगी और उसके बाद आरती होगी। जन्म लियो रघुरैया हो, जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाधे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाधे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाधे बधैया,
तन्नो